हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शॉमी का एमआई मिक्स 2 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो क्या है इस फोन के फीचर्स, ये फोन देखने में कैसा है, क्या है इसके डिब्बे के कंटेंट, क्या आपको हेडफोन मिलेगा, फास्ट चार्जर साथ में मिलेगा, क्या ये फोन खरीदने लायक है, क्या ये फोन OnePlus 5 को टक्कर दे सकता है, तो आइए देखते हैं ये सब कुछ इस वीडियो एपिसोड में। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने YouTube ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो दोस्तों, ये है बॉक्स, जिस बॉक्स में आपको MI Mix 2 मिलेगा। ब्लैक कलर का बॉक्स है, MI का लोगो मिलेगा आगे की साइड को। साइड में कुछ नहीं है, इस साइड को आपको फ्लिपकार्ट का स्टिकर मिल जाएगा। पीछे की साइड को आपको इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। ये भी देखने को मिलेगा कि इस फोन के बॉक्स में क्या क्या कंटेंट है। MRP की बात करें तो 37,999 इसकी MRP लिखी गई है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। बट ये दोस्तों आपको 2,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। 6GB की रैम, 128GB रोम वाला वेरियंट अभी करंटली इंडिया में बिक रहा है। और यहाँ पर आप इसका MMI नंबर दे सकते हो। यहाँ पर आप SAR देख लीजिए, तो यहाँ पर जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो है 1.6 वाट पर केजी से नीचे। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 0.88 वाट पर केजी एट हेड और 0.850 वाट पर केजी एट बॉडी डिस्टेंस फ्रॉम 15 mm। तो यहाँ पर ये मेजरमेंट है, तो यहाँ पर SAR ज़्यादा नहीं है। और डिब्बे की बात करें तो डिब्बा देख लीजिए, कुछ इस टाइप का डिब्बे में ये इस बार दिया गया है। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले ऊपर एक प्लास्टिक का रैपर है, तो उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर दो सिक्योरिटी सील्स हैं, तो इनको भी काट देते हैं। तो अब निकालते हैं MI Mix 2 को डिब्बे से बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक वेलकम कार्ड मिल जाएगा, जो कि ली जुन साइंड है, इनोवेशन फॉर एवरीवन। और अगर आप आगे देखोगे तो आपको मिल जाएगा MI Mix 2 चार्जिंग या डाटा केबल, USB-C टाइप केबल है, चार्जर दिया गया है जो कि आपका फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आप देख लीजिए जो वोल्टेजेस हैं वो है 5V 3 एम्पियर पर, 9V 2 एम्पियर पर, 12V 1.5 एम्पियर पर। मतलब कि ये जो चार्जर आपको दिया गया है ये क्वालकॉम क्विक चार्जिंग 2.0 को सपोर्ट करता है। बट दोस्तों जो फ़ोन है वो 3.0 को सपोर्ट करता है। तो फिलहाल जो चार्जर दिया गया है ऑल्दो इस फ़ोन को फास्टली चार्ज करेगा, बट दोस्तों उतना भी फास्ट नहीं करेगा जितना कि आपका रेगुलर क्वालकॉम क्विक चार्जिंग 3.0 वाला चार्जर करता है। तो आइए और देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। तो इसके सिवाय दोस्तों एक और कंपार्टमेंट है जिसके अंदर शायद मैनुअल्स और कुछ केस होगा। तो यहाँ पर साथ में दिया गया है एक प्लास्टिक का बैक कवर। तो दोस्तों इनबॉक्स आपको एक बैक कवर भी मिल जाएगा, प्लास्टिक का है, और साथ में यूज़र मैनुअल भी मिल जाएगी, वारंटी इन्फॉर्मेशन भी इसी के अंदर लिखी गई है, और भी बहुत कुछ है डिब्बे में। और साथ में दोस्तों आपको एक लेआउट मैनुअल भी मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि फ़ोन का सिम कहाँ है, कहाँ से आप फोन को ऑन करते हो, पावर बटन, सब के लिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ दोस्तों आपको मिल जाएगा एक C2 रेगुलर 3.5 mm पोर्ट, अगर आपके पास 3.5 mm वाले हेडफोन है तो उसको कनेक्ट करने के काम आएगा। और साथ में मिल जाएगा एक सिम इजेक्टर टूल। तो दोस्तों ये है कुछ बॉक्स कंटेंट जो कि आपको फ़ोन के साथ मिलते हैं। आपको मिलता है एक वेलकम स्टिकर, बॉक्स, मेन फोन, बैक कवर, सिम इजेक्टिंग टूल, हेडफोन कनेक्टर, USB-C टाइप केबल, फास्ट चार्जर और मैनुअल। तो दोस्तों ये है बॉक्स कंटेंट। तो आइए सारी चीज़ों को हटा देते हैं और देखते हैं सिर्फ फ़ोन को। तो दोस्तों ये है शॉमी का नया फ़ोन जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, MI Mix 2। तो फिलहाल अगर देखा जाए फ़ोन की लेआउट कुछ ऐसे है, आपको नीचे के साइड को मिल जाएंगे स्पीकर, मेन माइक्रोफोन, USB-C टाइप पोर्ट डाटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए, और साथ में नीचे की साइड को आपको एंटीना भी मिल जाएगा जो कि सेपरेट है इस दो सेपरेटर से। इस साइड को आपको मिल जाएगी सिम ट्रे। तो यहाँ पर कई लोगों का सवाल आ रहा था कि MI Mix 2 क्या आपका SD कार्ड को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, नहीं करता है। यहाँ पर जो सिम ट्रे दी गई है वो आपकी दो सिम को सपोर्ट करती है, मतलब कि कोई हाइब्रिड सिम स्लॉट भी नहीं है। तो फिलहाल ये फ़ोन आपका एक्सटर्नल SD कार्ड को सपोर्ट नहीं करता है। ऊपर की साइड को आपको मिल जाएगा सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन के लिए, और इसके बीच में दोस्तों जो आपके ये दो डैश दिख रहे हैं, इस दोनों लाइंस के बीच में आपके हैं वाईफाई, GPS और ब्लूटूथ के एंटीनास। इस साइड को आपको मिल जाएगा वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन, और पीछे की साइड को आपको मिल जाएगा 12 MP का F2.0 अपर्चर वाला रियर कैमरा, ड्यूल टोन LED फ्लैश है, आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन मेड इन चाइना कुछ ऐसा स्टिकर दिया गया है जो कि बता रहा है कि ये फ़ोन आपका चाइना में असेंबल हुआ है। और साथ में दोस्तों नीचे को कुछ सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आगे की साइड की बात करें तो आगे को आपको मिल जाएगा 5.99 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पर IPS LCD डिस्प्ले है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो दी गई है वो है 80.11, मतलब कि ये फ़ोन की जो स्क्रीन है
वो काफ़ी बड़ी है, एजिस काफ़ी स्मॉल है। जो एजिस आपको देखने को मिलेंगे वो देखेंगे आपको नीचे की साइड को, और यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा रिसीवर स्पीकर, जो कि आपका एक डायफ्राम वाला रिसीवर स्पीकर है। इस केस में नीचे की साइड को आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर कैमरा मिल जाएगा। और दोस्तों इस फ़ोन में सारे जो बटन्स हैं, मेनू बटन, बैक बटन और होम बटन, वो आपके ऑन स्क्रीन है, मतलब कि यहाँ पर कोई फिजिकल बटन नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों यह है MI Mix 2 का हार्डवेयर लेआउट। आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम फ़ोन नज़र आ रहा है। जो साइड बेजल है वो एल्युमिनियम की है, बैक फ्रेम आपका सिरामिक का है, आगे की साइड को आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, मतलब कि दोस्तों जो डिस्प्ले है वो आपका काफ़ी हार्ड है। तो फिलहाल दोस्तों ये है लेआउट MI Mix 2 की, देख लीजिए काफ़ी प्रीमियम डिवाइस है। ब्लैक कलर ऑप्शंस में अभी ये मिल रहा है, हालांकि इसका एक सिरेमिक वर्जन भी आता है जिसके अंदर आपको 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। वो अभी फिलहाल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। जो इंडिया में लॉन्च हुआ है वो लॉन्च हुआ है दोस्तों 6 GB रैम के साथ और 128 GB UFS 2.0 स्टोरेज के साथ। तो फिलहाल देख लीजिए दोस्तों सिरेमिक बैक होने की वजह से जो पीछे का जो एरिया है वो आपका यहाँ पर काफ़ी स्लिपरी भी हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक स्लिपरी फ़ोन। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको साथ में दिया जा रहा है एक बैक कवर, जिसके जरिए आप इस फ़ोन को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो और साथ में फिसलने से भी बचा सकते हो। तो दोस्तों बैक कवर साथ में दिया गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले दोस्तों आपको खुद प्रोटेक्ट करवाना होगा, मतलब कि आपको यहाँ पर कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर स्क्रीन गार्ड लगाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो स्क्रीन है वो आपकी 2.5D वाली है, मतलब कि जो एजिस हैं वो ट्रिम डाउन है, मतलब कि जो आप स्क्रीन प्रोटेक्टर इसके ऊपर लगाओगे वो आपका पूरी स्क्रीन को कवर अप नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये थोड़ा सा देखना होगा। बाकी फ़ोन के लुकआउट की बात करें तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है और यहाँ पर मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट क्राफ्टेड फ़ोन है Xiaomi की तरफ से। तो चलिए दोस्तों फ़ोन का लेआउट तो हो गया, अब फ़ोन को ऑन करते हैं। तो दोस्तों जब तक ये फ़ोन बूट हो रहा है मैं आपको इस फ़ोन की कुछ इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ इस फ़ोन के अंदर है 6 GB की रैम, 128 GB की UFS 2.0 स्टोरेज, 5.99 का 1080x2160 पिक्सल्स का डिस्प्ले मिल जाएगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, MIUI 8 दोस्तों आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगी, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835 चिपसेट है और साथ में दोस्तों आपको मिल जाएगा 12 MP का रियर कैमरा, F2.0 अपर्चर है, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस के साथ आता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन है 4x वाली, ड्यूल टोन LED फ्लैश है और इस फोन में है 5 MP का फ्रंट शूटर कैमरा, F2.0 अपर्चर है। ये कैमरा आपका फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। सेंसर्स की बात करें तो इस फोन के अंदर है फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी कंपास और बैरोमीटर। GPS की बात करें तो असिस्टेड GPS है, ग्लोनेस है, BDS है। USB पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा USB टाइप सी पोर्ट, जो कि वर्जन है 1.0 और ये रिवर्सिबल कनेक्टर है। बैटरी की बात करें तो दोस्तों इस फोन के अंदर है 3400 mAh की बैटरी, मतलब कि आपको 1-1.5 दिन तक का बैकअप आराम से मिल जाएगा। अगर आप इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो आप देख सकते हो कि जो बेजल है वो काफ़ी नैरो है, साइड से बेजल आप देख सकते हो कि काफ़ी नैरो है। जो बेजल आपको देखने को मिल रही है वो नीचे की साइड को देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपको मिल जाएगा इस फोन का फ्रंट कैमरा। तो फिलहाल दोस्तों देख लीजिए ये फ़ोन कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। चलिए अब इस फ़ोन को बूट करते हैं। फ़ोन अब बूट हो चुका है। तो ये है दोस्तों UI जो कि आपको मिलती है, MIUI 8 साथ में दिया गया है। अगर आप वर्ज़न की बात करें तो एग्जैक्ट वर्जन आप देख सकते हो MIUI 8.5.1.0 है। आपको नोगेट 7.1.1 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगी। रैम 6 GB है, इंटरनल मेमोरी 128 GB है, जिसमें से 117 GB अवेलेबल है। बेस बैंड कर्नल आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये है MI Mix 2। एक बार जाने से पहले कैमरे को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कैमरे से कुछ सैम्पल इमेजेस को क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए कि इमेज क्वालिटी कैसी है। हालांकि यहाँ पर आपको कोई ड्यूल कैमरा नहीं मिल रहा है, बट दोस्तों जो कैमरा दिया गया है वो काफ़ी बढ़िया कैमरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पीछे वाला कैमरा है वो काफ़ी अच्छी जो डिटेल्स है उसको पिकअप कर रहा है। स्टूडियो लाइटिंग में तो दोस्तों काफ़ी अच्छी डिटेल्स यहाँ पर कैप्चर हुई हैं। आइए एक बार आगे वाले कैमरे को भी देख लेते हैं। तो आगे वाला कैमरा दोस्तों आप देख लीजिए कुछ इस टाइप से है, और यहाँ पर आपको आगे वाले या फ्रंट कैमरे को यूज़ करने से पहले इस फोन को घुमाना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फोटो है वो इन्वर्टेड है, मतलब कि यहाँ पर इन्वर्जन नहीं किया गया है ऑटोमेटिकली, और जो क्वालिटी है थोड़ा सा नॉइज़ दिखा रहा है, पिक्चर में ग्रेन्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो फिलहाल ऑन एन एवरेज कहेंगे आगे वाले कैमरे को, पीछे वाला कैमरा थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों बेटर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट कैमरा। तो फिलहाल दोस्तों कैमरा उतना ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा, बट दोस्तों एग्जैक्टली ये कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, क्या इसके आपको फीचर्स मिलेंगे, ये तो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बता दूंगा। बस इतना जान लीजिए दोस्तों इसका जो रियर कैमरा है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर फोन्स। तो यहाँ पर कहूँगा कि Xiaomi की तरफ से एक प्रीमियम डिवाइस है। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे कि OnePlus 5 लेना चाहिए या फिर ये फ़ोन, तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा अभी भी OnePlus 5 इसके मुकाबले में काफ़ी बेटर फ़ोन है। उस फोन में आपको बढ़िया कैमरा मिल जाएगा, बढ़िया दोस्तों उस फोन की कॉन्फ़िगरेशन है, और इवन आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगी जिसके
जरिए आप यहाँ पर 8GB वेरिएंट वाला भी ले सकते हो, जो कि परफॉर्मेंस में दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों MI Mix 2 आप ले सकते हो। बाकी आप देख लीजिए, यहाँ पर इस फोन में सिर्फ एक ही खासियत है कि इसका जो डिस्प्ले है उसमें आपको बेजल काफ़ी कम मिल जाएगी, वहाँ पर बेजल है। तो यहाँ पर इसके साथ देखा जाए तो Xiaomi के MI Mix 2 में कोई ज़्यादा बड़ा फीचर नहीं है। फ़ोन तो बढ़िया है दोस्तों, बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन यही आप यहाँ पर वेट कर सकते हो OnePlus 5T का, जो कि मुझे लगता है कि इससे बेटर ही होगा। फिलहाल अगर आप यहां पर वेट नहीं कर सकते हो तो आप इस फोन को ले सकते हो। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अभी OnePlus 5T का वेट करें अगर आप कोई प्रीमियम डिवाइस लेना चाहते हो। तो फिलहाल ये रहा MI Mix 2 का एक छोटा सा रिव्यू। बाकी और भी बहुत सारे रिव्यूज़ हैं इसके, उसके साथ मैं आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। तो इसी के साथ मैं आप इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।